शहर में एक युवक की चाकुओं से गूद कर हत्या कर दी। आरोपी फरार है। बुलंदशहर में चाकू से तावा तोड़ वार कर युवक की हत्या कर हत्यारा फरार हो गया। मामूली कहासुनी के बाद चाकू से वार कर संजय नाम के शख्स की हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। पुलिस ने पंचनामा भरकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बुलंदशहर की सियाना कोतवाली क्षेत्र के वैरा फिरोजपुर गाँव की घटना है। सर्वेश कुमार, बुलंदशहर, समाचार 24। दिनांक 10 फरवरी 2023 ग्राम बैरा फिरोजपुर थाना सेना में लगभग रात्रि में 9 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को चाकू लगा है, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। उस व्यक्ति का पंचनामा पर पीएमडी कार्रवाई की जा रही है। परिवार ने इस संबंध में थाने पर एक तहरीर दी है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी मौके पर फील्ड यूनिट एवं स्थानीय पुलिस मौजूद है। क्या नाम है आपका? मनवीर सिंह नाम है मेरा। अच्छा, ये बताइए, एक मौत हुई है, क्या लगते हैं आपके? मेरा भतीजा लगता है, मैं भी आया हूँ, मेरा भतीजा लगता है। अच्छा, क्या मामला हुआ था, कैसे कैसे मौत हुई है? इसी चक्कू लगा है, मुझे जानकारी मिली तो मैं यहाँ आया हूँ जी। लेकिन 1.5 घंटा हुआ, कोई डॉक्टर नहीं आया, ट्रीटमेंट नहीं करा किसी ने, कुछ नहीं करा जी। और यहाँ पे जो ना किसी किसी को सूचना दी, किसी ने कुछ हमने सूचना दी है सबको, पुलिस को भी दी है हमने, हमने पुलिस बुलाई है। और किसी ने पुलिस बुला ली नहीं, अस्पताल वाले ने बुलाई पुलिस, किसी ने बुलाई। अरे हो सकता है अगर यूँ बच जाता लड़का, लेकिन अब इसकी डेथ हुई। अच्छा, मतलब क्या कारण रहा नहीं बचने का, क्या कारण रहा नहीं बचने का, क्या कारण रहा? नहीं बचने का कारण यही रहा, अस्पताल की लापरवाही। क्या लापरवाही है अस्पताल की? लापरवाही है डॉक्टर की, लापरवाही। तो यहाँ मिले नहीं थे डॉक्टर? नहीं, डॉक्टर कोई नहीं आया यहाँ पे। फिरोजाबाद में सड़क